लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यहाँ पे आके निरीक्षण भी किया है, किस तरीके के निर्देश दिए हैं, क्या अभी तक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं? निरीक्षण का क्या है, भयंकर दम तोड़फोड़ आगजनी सब किया गया है, जाने कितने गरीबों की बाइकें हैं जला दी गई। अभी कल सुबह से वो क्या करेंगे, जाने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की जमीन के दस्तावेज जला दिए गए। अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कर कैसे करेंगे, ये सब करने का। और पूरी बिल्डिंग जला दी गई, कितनी सुंदर सी बनी बिल्डिंग, बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं भाई। सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता, और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते, ये असामाजिक होते हैं जिन्होंने ये किया है। हमारे प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से उनको समूचा प्रदेश मानता है, कोई एक समाज मानता है, सतनामी समाज विशेष रूप से श्वेत ध्वजवाहक हैं, और वो शांति के सौहार्द के प्रतीक के स्वरूप में श्वेत ध्वज का धारण करते हैं। अब इस विषय पर एक जो घटना विगत माह 15-16 मई की दरमियानी रात को हुई थी कि पूज्य अमर गुफा में तीन जैत खाम को क्षति पहुंचाई गई थी, और उस पर पुलिस के जांच से असंतुष्ट होकर समाज ने मांग की थी कि इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई थी, और न्यायिक जांच की जो घोषणा हुई थी उससे समाज संतुष्ट हुआ था। समाज में के प्रमुख लोगों ने यह कहा था कि ये पर्याप्त है और इसकी उचित जांच हो जानी चाहिए, और इस बार हम लोग अपना आंदोलन नहीं करेंगे, हम सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। वो धन्यवाद ज्ञापन का मसला था, और उसके बीच में जो कुछ हुआ है, चूँकि समाज संतुष्ट था, समाज ने स्पष्ट तौर पर कहा था, समाज की मान्यता थी, इसलिए समाज का कोई विषय नहीं, समाज तो अपने कार्यक्रम में था, अपने भाव में था। अभी बीच में किसने आकर के ये सब किया, ये असामाजिक लोग कौन है, ये मसला है, और इस मसले पर ही मैं सोचता हूँ कि कानून काम कर रहा है और उचित समय में सब कुछ स्पष्ट होगा। तो प्रशासनिक चूक मानते हैं, क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक हुई? देखिए, जो कुछ हुआ है मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया है, बहुत विस्तार से बताया है। मसला ये है कि सब कुछ स्पष्ट था, कुछ बात नहीं थी, अब अचानक कोई ऐसा करता है, योजना बना करके, तो आप उसको क्या करते हैं? सर, ये कौन था, कैसे किया, क्यों किया, ये तो जांच में आ जाएगा, लेकिन सरकारी संपत्ति पे और ख़ासतौर से SP ऑफिस और कलेक्ट्रेट, तहसील और जो सरकारी दफ्तर थे, सरकारी गाड़ियाँ थी, उनको टारगेट किया गया, तो इसमें किस रूप में देखते हैं? क्या तू कह रही, क्या इसका लॉजिक है, कोई तो बता दे, मसला क्या है? अरे, बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं, लटपट में जनता के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, अभी उसको नष्ट कर देना है तो आप किसको सजा दे रहे हैं? अधिकारियों को थोड़ा सजा है, किसको सजा दे रहे हैं? आम जनता ही पीड़ित होना है, तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे जिसने भी किया है वो निस्संदेह असामाजिक लोग हैं, उन पर तो कानूनी कार्रवाई होगी, कानून अपना काम। जिस तरीके की भीड़ थी तो ये एक दो दिन की तैयारी नहीं थी, और इसमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस चूक भी कहीं नज़र आ रही है। अरे भाई, इंटेलिजेंस का चूक मतलब क्या कहेंगे आप, जितनी चर्चा हो गई थी, अनेक बैठकियां हो गई थी, लोग संतुष्ट थे, लोगों का ये कहना था धन्यवाद ज्ञापन करना, और वही किया समाज ने, तो वही किया है समाज के मूल धड़े ने, समाज के प्रमुख लोगों ने वही किया है, और मुख्य समाज ने वही किया है। अभी समाज के इस पूरे कार्यक्रम में कौन असामाजिक आ गया और उन्होंने ये कर दिया, ये रायपुर ग्रामीण के जो विधायक हैं, उन्होंने एक बात का आरोप पुलिस पे लगाया है कि उनके भतीजा और उनका परिवार, उनका ड्राइवर, वो आ रहे थे बलौदा बाजार से, तो बलौदा बाजार सर्किट हाउस के सामने पुलिस के द्वारा उनको मारपीट की गई है, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, इस बात को उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में बातचीत कही है, उन्होंने दिखाए भी हैं सोशल मीडिया पर। FIR कर रहे हैं, बता रहे थे कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, तो ये कोई बड़ा मसला है नहीं, वो तो स्पष्ट हो जाना। मसला ये है कि जो कुछ हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, गरीबों की गाड़ियों का क्या होगा, टू व्हीलर का, उन गरीबों के रिकॉर्ड का क्या होगा, उन गरीबों की सुविधाओं का क्या होगा जो यहाँ कार्यालय में आकर के
थोड़ा ठंडा पानी पीते थे, आराम से रह करके अपना काम कराते थे, उनका क्या होगा? और इन सब चीज़ों को बनने में कितना वक्त लग जाएगा, राशि कहाँ से आ जाएगी, ये मसले पड़े। बाकी अब कानून का है, जिसने अपराध किया है कानून उसका, उस पर। कुछ छोटे कर्मचारी लोग हैं, उन्होंने जो हम लोगों से बात की, उनका कहना था कि कुछ मुआवजा वगैरह मिलेगा, क्योंकि उनकी बड़ी मेहनत से उन्होंने अपनी गाड़ियाँ ली थी या जो भी साधन उन्होंने लिए। वो सब समय का है, किसका क्या हुआ है, आकलन होगा होगा बस इन सारी चीज़ों में। मैं अभी तुरंत ही आपसे कुछ कह दूँ, ये उसका कोई रख नहीं। थैंक यू, धन्यवाद, आभार। आप सब जाग रहे हैं। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.